अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो है मार्वल स्पाइडरमैन PS4 गेम के बारे में। दोस्तों, ये गेम दरअसल अभी सिर्फ PS4 के लिए आई है और मैंने नेट पर यूट्यूबर्स की काफ़ी वीडियोस देखी हैं कि हम इसे PC पर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने तकरीबन काफ़ी वीडियोस देखी हैं और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके डाउनलोड करने की बहुत कोशिश की है इस गेम को, लेकिन ये गेम डाउनलोड हो जाती है लेकिन इंस्टॉल नहीं होती। इंस्टॉल होने के बाद चलती नहीं है। दरअसल ये गेम अभी PC के लिए आई नहीं है। ये प्ले स्टेशन की गेम है और जो लोग ये PC की वीडियो बना रही हैं, मैंने बहुत कोशिश की है, नहीं चली ये गेम। अभी PC के लिए है ही नहीं और वो टाइम ही मेरा लगाया हुआ है। मैंने तकरीबन तीन दिन लगा के इस गेम को डाउनलोडिंग पे लगाया है। उसके बाद डाउनलोड हुई है लेकिन उसके बाद गेम का ऑप्शन ही कोई नहीं है, फोल्डर ही कोई नहीं बना। ये फेक है, मुझे तो अभी तक इसकी इतनी समझ आई है कि फेक है। और अगर दोस्तों आप लोगों को पता है, अगर आप लोगों ने कहीं से डाउनलोड की है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए। मैं खुद इस गेम का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मुझे बहुत पसंद है यह गेम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली PC के लिए नहीं है, मैं नहीं खेल सका। तो अगर आप लोगों ने खेलिए या खेल सकते हैं PC पे, तो काइंडली मुझे कमेंट में बताइएगा ताकि मैं भी इसे डाउनलोड कर सकूँ।